दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल है माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन बिल्कुल माइनर सा है, मतलब बिल्कुल ही कम है, कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप सभी को बता दूँ ताकि आप सभी के मन में ये संशोधन हो जाए कि टाइम टेबल में कम ही परिवर्तन हुआ है। जैसे कि यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 14/9 यानी कि सोमवार के दिन 12वीं के सभी के पेपर हो जाना है एक ही तिथि के दिन। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो भी उनके पेपर है, सभी के एक ही दिन 9 बजे से 12 बजे के बीच में उनके पेपर हो जाएंगे। तो 12th वालों के लिए क्लियर हो गई की बात, और 10वीं के जो पेपर है उनके लिए अलग अलग तिथि है। सप्लीमेंट्री फॉर्म कब तक डाल सकते हैं आप? 12वीं का पेपर होने के एक दिन पहले तक आप सप्लीमेंट्री के फॉर्म डाल सकते हैं। यही हम बात करें यदि कि 10वीं हाई स्कूल के पेपर में परिवर्तन हुआ है क्या, तो यहाँ पर जो आपके प्रथम भाषा वाला कॉलम है ये इसमें ऐड किया है इन्होंने, स्पेशल हिंदी और स्पेशल इंग्लिश के लिए होना 15/9 के दिन ही है यानी मंगलवार के दिन। 16/9 के दिन मैथमेटिक्स है बुधवार। गुरुवार के दिन 17/9 तृतीय भाषा उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी यदि ये लैंग्वेजेस आपने ली है तो। शुक्रवार के दिन यानी कि 18/9 के दिन आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। शनिवार के दिन 19/9 यानी कि द्वितीय तृतीय भाषा सोशल, सॉरी सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज जनरल यानी कि अंग्रेजी आपकी जनरल इंग्लिश उसका पेपर है। यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश है, ध्यान दीजिएगा इंग्लिश वालों के लिए, और यहाँ पर ये जनरल इंग्लिश है सामान्य जो एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए होती है। सोमवार के दिन 21/9/2020 यानी कि इस दिन आपका साइंस विज्ञान का पेपर है, और ये जो 21 तारीख को जो होना था पिछली बार इस डेट में परिवर्तन हुआ था, ये 20/21 का मैटर था यहाँ पर, तो इसको 22 तारीख के दिन मंगलवार के दिन एनएसक्यूओपी यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय के पेपर है। तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश है स्पेशल इंग्लिश, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और जो सामान्य इंग्लिश है ये आपके एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर प्रथम भाषा जो विशिष्ट हिंदी है ये सभी बच्चों के साथ चलती है। तो आई होप ये टाइम टेबल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम के लिए सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर टुडे पाठशाला, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। साथ में वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, साथ में इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी क्लियर हो जाए कि टाइम टेबल में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उनके थोड़े ध्यान में रहे। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।